नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन लाइन और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ साइकिल चलाकर प्रदर्शन किया और कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। इंदौर में आज बढ़ती महंगाई के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया सहित अन्य नेता शामिल हुए। कांग्रेस के सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा और कहा कि देश और प्रदेश में आज पेट्रोल, डीजल, खाद्य वस्तुओं सहित रोज उपयोग होने वाली वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई बेकाबू हो गई है, लेकिन बीजेपी महंगाई को काबू करने में असफल हुई है। बीजेपी के वह नेता कहाँ हैं जो थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ने पर धरना प्रदर्शन कर साइकिल चलाया करते थे? आज उन्हें जनता का दर्द नहीं दिख रहा है। प्रदेश में भूमाफियाओं ने अपनी पकड़ बनाते हुए जनता को जकड़ रखा है, लेकिन शिवराज सरकार भूमाफियाओं से जनता को बचाने में असफल साबित हुई है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हो रही है। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष दौलत पटेल, शहर अध्यक्ष रमेश खान के नेतृत्व में एक विशाल साइकिल रैली इंदौर की सड़कों पर निकाली गई। इसलिए निकाली गई कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान साइकिल चलाना भूल गए हैं। जब देश में मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी, जब रोज़ कहीं ना कहीं साइकिल निकाल के चल देते थे महंगाई के विरोध में, डीजल पेट्रोल में महंगे के विरोध में, अब साइकिल चलाना भूल गए। तो युवक कांग्रेस के साथियों ने कहा कि हम साइकिल बताते हैं भैया कैसे चलती है। बात यह है कि इस प्रदेश और देश में ज़बरदस्त तरीके से लोगों में आक्रोश है। कोरोना की महामारी से लाखों लोग मरे, कई घर तबाह हो गए, उसके बाद महंगाई की मार, महंगाई डीजल, गैस, पेट्रोल, खाने का तेल, घर बनाने का सीमेंट, सरिया, क्या चीज़ महंगी नहीं है। ये हालत है कि आसमान को फाड़ के भी, हम बोलते हैं ना आसमान छू रही है, आसमान के पार निकल गई महंगाई। और तीसरी बात, लैंड ऑर्डर की स्थिति इस मध्य प्रदेश में ख़राब है। आज भी 4 लोग जहरीली शराब से मरे हैं। इस प्रदेश में शराब माफिया, भू माफिया, रेत माफिया ने शिकंजा गाड़ रखा है। शिवराज चौहान के बस का नहीं है ये प्रदेश। कुछ नहीं है, युवक कांग्रेस का कार्यक्रम है। जिस तरीके से बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल हो गया 110 के पार, डीजल हो गया 100 के पार, गैस की टंकी 850 पार, और खाने का तेल हो गया 200 पार। नरेंद्र मोदी से आप कैसे पाए पार, इसकी है ये ललकार। आज जबरदस्त तादाद में यूथ कांग्रेस के साथियों द्वारा हम सब के नेता सज्जन वर्मा जी, विशाल पटेल जी, जीतू पटवारी जी और सभी युवा साथियों ने एक बड़ी तादाद में साइकिल रैली का आयोजन करा है। ये साइकिल रैली शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहेंगे कि जिस तरह से पहले वो महंगाई के 1 रुपया बढ़ता था, वो ज़मीन पर आ जाते थे, खून के आंसू बहाते थे, मगरमच्छ के आंसू बहाते थे। आज महंगाई 100 पार हो गई है, 110 पार पेट्रोल डीजल हो गया है। आज खाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, दवाई खाने का पैसा नहीं है, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है। आज पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, तेल महंगा और दूध भी महंगा है। अगर कुछ चीज़ सस्ती है तो वो सिर्फ आम आदमी की जान है। और इसलिए आज महंगाई के विरोध में, और जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री मांगा था, ये प्रधानमंत्री तो नहीं, ये जग्गा ना जासूस बनकर अपने ही लोगों पर जासूसी करने का काम कर रहा है, और जो अधिकारी हैं, जो जज हैं, उनको ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और जब तक कि ये महंगाई कम नहीं होती है, तब तक पुरजोर तरीके से युवा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जमीन पर लड़ाई लड़ेगा। और जनता भी समझ गई है, और 2023 और आने वाले चुनाव में उनको करारा जवाब जनता और युवा इस प्रदेश का देने वाला है। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा आईबीएन 9 के साथ। आप देखते रहिए आईबीएन 9।